कमिंग टू दी एलरॉड, एलरॉड को, ये एलरॉड है, इस एलरॉड को, ये एलरॉड है, इस एलरॉड को हम ना तो ऐसे करेंगे ना ऐसे करेंगे, हम थोड़ा सा टिल्ट पोजिशन में रखेंगे इसको, और टिल्ट पोजिशन में जो होता है दैट टिल्ट पोजिशन इज एक्चुअली लिटिल 85-80 डिग्रीज, 85-80 डिग्रीज पे इस एलरॉड को हम रखते हैं और उसके साथ हम काम करते हैं, जैसे इस पिक्चर्स में दिखाई गई है, ना तो ऐसे ना ऐसे और ना ही बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री नहीं होता, दिस इज लिटिल टिल्टेड डाउनवर्ड्स अबाउट 80 डिग्रीज, 85-80 डिग्रीज पे हम इसको काम करते हैं। क्या काम करेगा ये भी वही काम करेगा जो ऑरस, जो कि हमारा डाउजर काम करता है, वही सारे काम करता है, बट इट बिकम लिटिल इजियर टू वर्क विद दिस, क्योंकि इसके अंदर की जो वाइब्रेशंस होती है वो जल्दी, ज्यादा जल्दी कनेक्ट कर जाती है, उसके रिजल्ट जो होते हैं वो थोड़े से जल्दी दिखाते हैं कंपेरेटिवली टू डाउजर। डाउजर में आपको बहुत चीजें बार बार पूछनी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं, उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, इसमें बड़ा सिंपल हो जाता है। इट्स लाइक इफ यू ओपन इट लाइक दिस एंड ये बिल्कुल स्टेट है इस टाइम पे, अगर मैं इसे पूछूं इस जगह की पॉजिटिव एनर्जीज बताएं, इस जगह की पॉजिटिव एनर्जी इस टाइम पे 140 गिरी वाली है इस समय पे। अब क्या ये एक जुड़ी है या दो जुड़ी है? ये एक भी काम करेगा और दो भी काम करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी नीड ऑफ स्पीड यू नीड इट। अब कैसा एक काम करेगा, ये अभी मैंने पूछा इस जगह की पॉजिटिव एनर्जी बताएं, अगर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो ये राइट घूमेगा, अगर नेगेटिव एनर्जी होगी तो ये लेफ्ट घूमेगा, राइट घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा इधर की तरफ, और ये लेफ्ट घूमेगा तो ये इधर की तरफ घूमेगा। अब राइट अगर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो ये पूरा रोटेट करेगा ऐसे भागेगा, नेगेटिव होगी तो ये ऐसे ऐसे भागेगा, उल्टा भागेगा उल्टा। लेट अस सी सिंगल में, हे कॉस्मिक एनर्जी, इस जगह की एनर्जीज बताएं, इस जगह की एनर्जीज बताएं, मैंने कुछ नहीं पूछा था, मैंने पूछा था इस जगह की एनर्जी बताएं, मैंने शुरू में ये बोल दिया था अगर ये राइट घूमेगा तो पॉजिटिव है, अगर ये लेफ्ट घूमेगा तो ये नेगेटिव है, इट इज मूविंग राइट एंड सी दी स्पीड ऑफ इट, This is positive energies. Hold it firmly, but not very tightly. Thank you. Is that simple? इसमें कुछ नहीं है, आपके पास आंसर पहले आ चुके हैं। अब जो चार्ट आपने वहां पे बनाया था, इसमें चार्ट की जरूरत नहीं है, इसमें आपको चार्ट की जरूरत नहीं है, आपने वहां पे चार्ट बताया बनाया, उस चार्ट के अनुसार आपने उस डाउजर को चलाया, यहाँ पे हम चार्ट नहीं बनाएंगे। अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट विद द रेल रॉड और मैं किसी एक को यहाँ पे पिन कर रहा हूँ, मैंने स्पॉटलाइट पे डाला यहाँ पे, सारा जी आप स्पॉटलाइट पे आए, जी सर ठीक है, सारा जी का, सारा जी आपने टेस्ट किया था, आपका कोई मेटल वीक आया था, कोई स्ट्रॉन्ग आया था राइट सर? मेटल स्ट्रॉन्ग आया था सर, मेटल आपका स्ट्रॉन्ग आया था जी सर, और वीक? वीक कुछ नहीं सर, वीक आपने चेक नहीं किया था, ये किया था सर? नहीं सर, कोई भी मतलब वीक नहीं आया था, कोई भी वीक नहीं आया था, आपका मेटल स्ट्रॉन्ग आया था जी सर। साना जी का हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मेटल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं साना जी का। हे कॉस्मिक एनर्जीज, साना जी का मेटल एलिमेंट किस पॉजिटिविटी बताएं, क्या इनका अर्थ एलिमेंट वीक है? नो, इनका कोई भी वीक नहीं आया ना, चेक लेते हैं, क्या इनका एयर एलिमेंट वीक है? नो, क्या इनका फायर एलिमेंट वीक है? No. क्या इनका अर्थ एलिमेंट वीक है?
क्या इनका मेटल एलिमेंट वीक है? नो. इनके अर्थ इनके मेटल एलिमेंट की एनर्जीज बताएं. इसमें आपको कोई भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. दैट इज वेयर द एलॉड बिकम बिट इजी. यू जस्ट पास द क्वेश्चन एंड यू गेट द रिजल्ट्स. पेंडुलम में और इसमें क्या फर्क है? इसका फंक्शनलिटी या पेंडुलम की फंक्शनलिटी एक जैसी है. ओनली थिंग, पेंडुलम में आपको यस और नो में आंसर मिलेगा, तो आपके पास सारे डायग्राम होने चाहिए टू आस्क दैट क्वेश्चन एंड पेंडुलम वर्क्स अकॉर्डिंगली. अगर आपका यस है तो पेंडुलम चलेगा यस पे, और आपका नो है तो पेंडुलम नो पे चलेगा. नो पे हमने चला के देखा था, आप चला के अभी देखेंगे. पेंडुलम कृपया नो बताएं. पेंडुलम विल से नो. नाउ थैंक यू. नाउ द इश्यू हियर इज दैट पेंडुलम के साथ आप काम कर सकते हो. लोग क्लास से पहले काफी लोगों ने पूछा क्या हमारे पास इक्विपमेंट होना जरूरी है? नॉट रिक्वायर्ड. आपके पास पेंडुलम नहीं है तो यू मेक योर पेंडुलम किसी भी धागे में बांधे, कोई भी एक कील को बांधे, कील को धागे बांधे. लेकिन आपके ऊपर है कि वो आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो. इट इज अगेन एज आई सेड इट इन द बिगिनिंग, कुछ भी मेटल क्रिस्टल लकड़ पत्थर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कनेक्टिविटी उस मेटल से धातु से बनी या नहीं बनी. अगर आपकी कनेक्टिविटी उस धातु से नहीं है तो काम नहीं करेगा, तो रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएंगे. आप कील बांधो, एक कील लो, उसको धागे से बांधो, उसको लटका दो ऐसे, अब पूछो आंसर आएगा. बट हमारा माइंड हर समय एक जैसी स्टेट में नहीं होता, उसकी एक अवस्था को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है. उसके लिए इस टाइप के पेंडुलम के अंदर या आपके पास जो पेंडुलम है उसमें अगर कोई पर्ची आप घुसा सकते हैं तो पर्ची घुसा दें उसमें. दैट हेल्प्स यू टू ब्रिंग रिजल्ट टू द पॉइंट. अब इसमें आपको डी चाहिए, बहुत सारी जो मैंने आपको डी दिखाई है वो मैं डी आपको दे दूंगा, बट हर समय डी नहीं होती, बनाना आसान नहीं है या फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इसके अंदर एल रॉड के अंदर डी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. यू जस्ट आस्क क्वेश्चन इधर, इफ इट इज इफ इट्स बीन यस इट विल ओपन लाइक दिस, if it is no it will say no. ये फ्री होता है, दिस इज फ्री, ये अपने आप मूव करेगा ऐसे ऐसे. इफ इट इज जितना खुला 50 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 plus 200, सिंपल. ठीक. अब एल रॉड में क्या बेनिफिट होता है? अगेन एल रॉड वाइब्रेशंस में काम करता है, कॉस्मिक एनर्जी और हमारी इमोशंस के साथ कनेक्ट करता है. सेम होता है, इसमें कोई पावर नहीं होती. इसके अंदर भी यू हैव एन ऑप्शन टू पुट योर कमांड देयर. सेम तरीके से दोनों में खुलता है, अपनी कमांड लगाओ, यहां पे डालो, उसको बंद करो एंड देन डू इट. सर कमांड मींस वन क्वेश्चन एट अ टाइम, एंड द क्वेश्चन इट बी वेरी क्रिस्टल क्लियर. नो इन बिटवीन, नो डाउट्स, नो यस नो मे बी मे नॉट बी वाला नहीं होगा, बिल्कुल साफ होगा क्वेश्चन. ठीक है, दैट्स हाउ द एलरॉड वर्क्स. एलरॉड में कुछ नहीं. अभी एलरॉड का क्या है? एलरॉड आप किसी भी पत्ती का बना सकते हो. एक कॉपर की तार लो, उस तार को जैसे मैंने कील का बताया पेंडुलम, एक कॉपर की तार लो, उस तार को ऐसे पकड़ो, जितना ये हिस्सा होता है इसका 1/3 हैंडल होता है. जितनी रॉड होती है उसका 1/3 हैंडल होता है. अगर ये रॉड 1 फुट की है मान लो, तो 1 फुट का 1/3 कितना होगा? 4 इंच, 4 × 12 4 इंच होगा ना, राइट? तो 4 इंच की 4 इंच का हैंडल होगा. दैट इज द रेशियो बिटवीन दी रॉड एंड द हैंडल. आप कॉपर की रॉड लेके कॉपर की रॉड को मोड़ दो, एक काम करेगा, उसको हल्के हाथ से पकड़ो, धीरे हाथ से, तो काम करेगा, वो घूमेगा. लेकिन टाइट पकड़ लो तो नहीं चलेगा. उसके अंदर एक बीच में कॉपर की रॉड के अंदर वो जैसे उसकी जो सिलाई का धागा होता है उसकी डब्बी होती है, तो डब्बी डाल लो उसके अंदर घुमाने के लिए, सिलाई के धागे वाली, तो वो चलेगा. दैट्स ए होममेड दिस थिंग, बट दिस इज द सेम एक्टिविटी. नाउ ये थी एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू दी
पेंडुलम एंड एल रॉड।